हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इंफो हिंदी में। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में बिहार, 26 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर की माने तो अगले 2 दिनों तक राज्य में ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना है। ठंड से बचाव के लिए पटना में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। बिहार में ठंड पूरे चरम पर है और शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है। लगातार घटते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद बिहार में भी मौसम विभाग ने एक साथ 26 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शनिवार रात से राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। पटना में इस साल का सबसे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ठंड की वजह से जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करते हुए नगर निगम और सभी अंचलाधिकारियों को गरीबों के लिए समुचित रैन बसेरा और अलाव का इंतजाम करने का निर्देश दिया है। पटना में शनिवार रात से ही 48 जगहों पर अलाव जलने लगा है, जबकि रविवार को कई और नए जगहों पर अलाव की व्यवस्था कराई जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि जहां ठंड और बर्फीली हवा से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं कोहरे से पिछले 2 दिनों से राहत मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर की माने तो अगले 2 दिनों तक राज्य में ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना लग रही है। बढ़ते ठंड ने गरीबों की जहां मुश्किलें बढ़ा दी है, वहीं बुजुर्गों और बीमारों की बीमारी भी बढ़ने लगी है। अभी ज्यादातर लोग शाम होते ही जहां घरों में दुबक के नजर आते हैं, तो सुबह 10 बजे से पहले सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी काफी कम रहता है। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, बबुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 दिसंबर की सुबह तक ठंड का कहर जारी रहेगा और आगे तापमान में अगर और भी गिरावट होती है तो रेड अलर्ट जारी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार अगर आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो के नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।